दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रहा है। यूक्रेन में अब लोगों की शांति की आस लग रहा है, क्योंकि अब यूक्रेन के शांति के लिए अब इसका बैठक सऊदी अरब में होने वाला है। यह बैठक यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के 10 सूत्रीय शांति प्लान को केंद्र में रख के बुलाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों, यह पहला मौका है जब यूक्रेन की शांति प्लान का केंद्र में रखकर एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय बैठक किसी और यूरोपीय देश में होने जा रही है। दोस्तों एक बयान में कहा कि बैठक में यूक्रेन के 10 सूत्रीय शांति फॉर्मूले पे वार्तालाप होगी, जिसमें न केवल यूक्रेन में शांति लौटेगी बल्कि दुनिया में भावी टकराव को टालने का एक बहुत ही बड़ा मैकेनिज्म तैयार होगा। दोस्तों इस बैठक के बारे में यह भी कहा जाता है यूक्रेन समेत पूरे 30 देश शामिल होंगे, लेकिन इस बैठक में रूस नहीं रहेंगे। रूस को इस बैठक से बाहर कर दिया गया है। कहा जाता है दोस्तों कि सऊदी के सरकार ने कीव के प्रमुख सहयोगी देश से ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया और यूरोपीय संघ को भी जो है सो बुलाया गया है। और इस बैठक में G20 के अहम देश जैसे में भारत हो गया, चीन हो गया, ब्राजील हो गया, इन सभी को जो है सो इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। और इतना ही नहीं, इस बैठक में तुर्की, जापान, दक्षिण अफ्रीका को भी जो है सो बुलाया गया है। इन सभी देशों को आमंत्रित किया गया है, लेकिन इस बैठक में रूस को नहीं बुलाया गया है। दोस्तों इस बैठक में यूक्रेन ने अपने शांति के लिए क्या चीज सब मांग किया है, इसके बारे में जान लीजिए। यूक्रेन ने कहा कि यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता की बहाली और दूसरा रूसी सैनिकों की वापसी। ये भी कहा है कि जितने भी कैदी हैं ना सभी को जो है सो रिहाई कर दिया जाए और दोषियों को सजा देने के लिए ट्रिब्यूनल का गठन होना चाहिए और यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी होना चाहिए। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि यूक्रेन की मांगे क्या है इस बैठक में। दोस्तों कहा जाता है कि इस मामले पर पुतिन ने भी दिए शांति का संदेश। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मास्को पहुंचे अफ्रीका नेताओं को इस पहल पर बोलते हुए कहा कि इससे यूक्रेन युद्ध में शांति की आधार भूमि तैयार हो सकती है। साथ ही पुतिन ने कहा कि कीव की ओर से किए जा रहे हमलों दुश्मन को खत्म कर देना असंभव सा बना दिया है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आज पूरा पूरी 523 दिन हो गया है, लेकिन इसके बाद भी रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ है। रूस यूक्रेन पे जहां तहां हमला कर रहा है। अब आपको ये देखना है कि सऊदी में इस बैठक से क्या रूस और यूक्रेन के बीच ये युद्ध टलेगा या नहीं टलेगा, क्योंकि बहुत सारे देश जो है सो इस बैठक में सम्मिलित होगा। बस रूस को जो है सो सम्मिलित नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, इस बैठक में भारत को और चीन को भी जो है सो आमंत्रित किया गया है। और ये देखना है कि इस बैठक के दौरान क्या जो है सो कहा जाता है, क्या इस बैठक के दौरान रूस और यूक्रेन के बीच जो भी युद्ध चल रहा है क्या वो रुक पाएगा या नहीं रुक पाएगा, इस चीज को जो है सो देखना है। वैसे आपका क्या राय है दोस्तों, आप मुझे नीचे अवश्य कमेंट करके बताना। जय हिंद।